हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि अखाड़ा के एपिसोड 1 पे मैंने रिएक्ट कर रखा है और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स के बाद आपने कमेंट भी किया, बहुत से लोगों ने किया था कि यार एपिसोड इसके ऑल एपिसोड पे रिएक्ट किया जाए, तो अभी एपिसोड 2 पे रिएक्ट करेंगे। तो उससे पहले गुजारिश है कि आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन आना, सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अपना रिएक्शन देते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। अल्लाह, कितना तैयार होगी? मुझसे ज्यादा सुंदर तैयार खड़ी है। तुझे याद है तूने इसी के दिया था सूट? सच में? हाँ, वैसे तेरा तैयार होना किस काम का? पहलवानों की लड़की हो। बेचारे लड़के तो तुम्हें देखने से भी डरते हैं। वो तो यहाँ वाले लड़के डरते हैं ना, बाहर वालों को क्या पता कि मैं एक पहलवानों की लड़की हूँ। और वैसे भी क्या पता कि मुझे मेले में कोई ठगर ही जाए। अल्लाह, कितनी बेशरम है। इसको बेशर्मी नहीं कहते, इसको तो जिंदगी जीना कहते हैं मेरी जान। क्या हो आज रहा ना है? सुल्तान की भी कुश्ती है, इसीलिए मैं कहूं कब से तूने मेला 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 करके रखा हुआ है। चल उठ, चल हो गई। हाँ मेला लग गया, हज गया। वाटरफॉल अभी अच्छा चल बता, इस बार किसको आसमानों की सैर करवानी है? मिल जाता है अभी कोई शिकार। मिल नहीं गया, मिल गया लग रहा है। लो जी, ये मुकाबला जोगी पहलवान और बग्गा पहलवान के दरमियान हो रहा है। दोनों पहलवान आ गए हैं। अभी यहाँ आने से पहले दस्तगीर कह रहा था तो चौधरी साहब, खेल मैंने बस 2 मिनट में खत्म कर देना है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी ज्यादती की बात होगी। तो बड़ी दूर दूर से कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं मुकाबला, इसलिए तू सुल्तान को चित करने में जल्दी मत करना। बड़ा ही अच्छा किया चौधरी साहब, मैंने भी सुल्तान को समझाया है। मैंने कहा पुत्री, दस्तगीर अभी कुश्ती सीख रहा, उसे पूरा पूरा मौका देना जीतने का। ऐसा होना तो नहीं है, और चल जरा लोगों का दिल लगा रहेगा। हमने और ये मुकाबला जो कि पहलवान ने जीत लिया है।
फर्स्ट किलर का लड़की थी। हाय यार एक ऐड खा के अबे शादी करनी है। मैंने कहा है एक बीकॉम का, हमें नहीं करनी। ओहो भाई शुक्र मिल गया। ये आपका पर्स। वैसे कुछ उसको निकालने का मौका तो नहीं दिया मैंने, लेकिन ये चोरों चक्के हाथ के बड़े साफ होते हैं। तुम्हें पता है ये मेरी अम्मी की घड़ी थी, पैसों की खैर थी। हर घड़ी अम्मी की होती है यार, मैं नहीं खो सकती थी। ये तो शुक्र है तुम वक्त पे आ गए। थैंक यू सो मच। ये क्या हुआ? कुछ नहीं जी। हाँ नहीं जी वो नहीं जी क्या तुमने क्या किया? हाँ लड़े उससे, मारा उससे तुम्हें? क्या जरूरत थी लड़ने की? लड़ने तो नहीं भेजा था पल्लू। लव स्टोरी स्टार्ट हो गया भाई। ओ माही मैनू रंग दा, माही नू मेरा रंग चढ़दा। तुम ठीक हो ना? रियली सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इश्क दा मारा मेले में मिली नजर, इश्क अखाड़े में मैं कूदा बेफिकर। इश्क की आग में जल गया दिल मेरा, देखे तुझे दिल शेर बना तेरा दिल भर। But see, हानिया, अरे यार ये तो देखो, ये बहुत अच्छा है। ओ भाई कौन हो तुम? ऐवे ना चलती लड़की का हाथ पकड़ लेते हो? ये चक्कर बाजिया ना यहाँ नहीं चलने वाली। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? मुझे लगा आप मेरी दोस्त हैं। I'm so sorry, I didn't recognize you. खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों की रंगबाजी। चलो निकलो अब, वरना अपने भाइयों को आवाज लगा दूंगी। गलती से आपका हाथ पकड़ा इसलिए छोड़कर भी जा रहा हूँ। इरादे से पकड़ा होता तो कभी ना छोड़ता। दे लेती अपने भाइयों को आवाज। शेरी मिर्जा जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अगला मुकाबला दस्तगीर पहलवान के मुकाबले में आ रहे हैं चौधरी हाकम अली के बेटे सुल्तान पहलवान। बहुत जबरदस्त किस्म का ये मुकाबला, बहुत जोश और खरोश के साथ आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे हैं। जैसे ही इनका राउंड शुरू होगा ये एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे। देखते हैं कि आगे बनता क्या है। ओ भाई क्या होने वाला है? कौन हारेगा कौन जीतेगा? ओ कबड्डी 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 तो नहीं हारना था। कर कुछ कर।
पटक चेस्ट आप आए थे शेर अपने जगह पे। जीत गया यार, वाह यार जीत गया दस्तगीर। तो यार गाइस देख लिए हैं हमने एपिसोड 2 की हाइलाइट्स, और इसमें तो पहले तो इतना खास नहीं, मेले का ही सारा दिखाया गया और फाइट का दिखाया गया, और जो फिरोज शेर था उसने तो भाई साहब लड़की इसको देखते ही पहले तो एक लवर्स फर्स्ट साइड कह लो या जो भी कह लो, लेकिन उसे मोहब्बत हो रही थी या हो गई है अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि मोहब्बत होगी, लवर्स फर्स्ट साइड होगी है। और साथ ही फिर उसके जिसके साथ लवर्स फर्स्ट साइड हुई है और उसका जो बीएफ है वो उसकी फिर दिलशेर की बहन को पसंद आ गया है, पता नहीं क्या ये मुझे लग रहा है वटा सटाला साफ चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर के नाम है वो दंगल वाला सीन जो था वो भी बहुत ही अच्छा था, सही यानी कि ना बॉडी शॉडी बैंस इतनी फिट बनाई हुई है, और फिर कुछ जब आते हैं मैदान में कुश्ती के लिए तो यार एक पहले खुद दस्तगीर तो मार खाता रहता है, फिर जो दस्तगीर जब पटकता है ना उसे, फिर भाई साहब सारा गप्पा सा गेम ही पलट जाता है, तो फिर दस्तगीर जीत जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। तो बाकी है कि इन्होंने मुझे ड्रामे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे इस एपिसोड इसके बाकी एपिसोड में भी रिएक्ट करना चाहिए यानी आप कमेंट में लाजिम चाहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।